हत्याकांड के तीसरे आरोपी धर्मपाल को आज संभल पुलिस घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां धर्मपाल ने पूरे वाक्य को पुलिस को बताया और जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया, धर्मपाल फरार हुआ था उस रास्ते पर चलकर पूरी इनसाइड स्टोरी को धर्मपाल ने कबूला। तस्वीरों में दिख रहा लाल रंग के टी शर्ट पहने ये वो आरोपी है जिसने अब से करीब एक माह पहले दो पुलिस कर्मियों की हत्या कर पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। पहली बार मीडिया के सामने घटना स्थल पर पुलिस के साथ पहुंचकर आरोपी ने पूरे घटनाक्रम के राज उगले। ये जनपद संभल चंदौसी में एक घटना हुई थी जिसमें तीन अपराधी हमारे दो साथी पुलिसकर्मियों को शहीद करके फरार हुए थे। वही घटनास्थल है जिस उसमें एक अपराधी जिंदा पकड़ा गया है धर्मपाल, उसको लाया गया है मौके पे। उसके पूरी पूछताछ की जा रही है कि मौके पे कैसे घटनाक्रम को इन लोगों ने अंजाम दिया था, कैसे इन्होंने फायर किया था, कैसे पुलिस वालों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया जिस पे पुनः इन लोगों ने उन पे फायर किया और उसके बाद आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसी सीन को रिक्रिएशन कराने के लिए मौके पे लाया गया है। अब इससे सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा है, पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। सर, राइफल भी बरामद? जी हाँ, इसकी निशानदेही पे रामपुरा के जंगल से राइफल भी बरामद हुई है।